महिला का हत्यारा गिरफ्तार। महाराष्ट्र के ठाणे ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खड़ावली राया कल्याण क्षेत्र में 30 वर्षीय महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई, जिसके बाद पुलिस को इस मामले की सूचना मिलने पर ठाणे ग्रामीण पुलिस के अधिकारी और क्राइमब्रांच मौके पर पहुंचे, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। काफी मशक्कत के बाद ठाणे ग्रामीण क्षेत्र के काशीमीरा क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को गुप्त सूचना मिलने पर एक टीम बंगाल के लिए रवाना हुई। वहां से जाने वाले आलम हिरासत को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू किया। पूछताछ में जाने आलम, जो कि पेशे से मुर्गी बेचने का काम करता था, पूछताछ में जाने आलम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को सफलता प्राप्त हुई। काशीमीरा क्राइम ब्रांच यूनिट के सहायक पुलिस निरीक्षक प्रमोद बखाड़ ने कहा कि 23 जून की सुबह के वक्त कल्याण के खड़ावली राया क्षेत्र में एक अज्ञात महिला की अर्धजलीन लाश मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की थी। पुलिस की छानबीन में महिला के कपड़ों पर मुर्गियों के पर मिले थे और महिला के कमर पर ताबीज बंधी हुई थी। पुलिस ने ताबीज को खोलकर देखा तो कागज पर बंगाली में तांत्रिक क्रियाओं वाला कागज मिला, जिससे महिलाओं की शिनाख्त हुई और बंगाल के निवासी है। मुखबिरों की सूचना पर पुलिस ने जाने आलम को बंगाल से गिरफ्तार किया, जहां उसने अपना धर्म कबूल कर लिया। उसका कहना था कि उससे मेरा प्रेम संबंध था और वो मुझसे झगड़ा करने लगी थी, इसलिए मैंने उसकी हत्या कर दी है। पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी जाने आलम को हत्या करने, सबूत मिटाने के मामले और उसके साथी मोइनुद्दीन के ऊपर भारतीय दंड कानून सहित IPC की धारा 302 और 201 के मामले में गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले का दूसरा आरोपी फरार चल रहा है। आगे की मामले की जांच ठाणे ग्रामीण क्षेत्र के काशीमीरा पुलिस कर रही है। 23/6/2019 10:15 वाजता पुलिस स्टेशनला अशी माहिती मिळाली की एक महिलाची डेड बॉडी जी राया टू खडवली जाणाऱ्या रस्त्याच्या बाजूला पडलेली आहे, आडोळकी महिलाची। त्यावरून कल्याण तालुका पोलीस घटनास्थळी पोहोचले आणि त्या ठिकाणी बघितलं असता एक 25-30 वर्षे वयाची अनोळखी महिला, जिची डेड बॉडी आहे, तिचे एक गोणीत बांधलेली आहे आणि तिच्यावर तिला जाळण्याचा पण प्रयत्न झालेला आहे। त्यावरून कल्याण तालुका पोलीस स्टेशनला गुन्हा रजिस्टर नंबर 336/2019 IPC 302/201 म्हणजे मर्डर करून पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न करणे अशा प्रकारचा गुन्हा झाला। कशा पद्धतीने पुढे तपास केला कोंबडीचा? यामध्ये ज्या ठिकाणी ती महिलाची डेड बॉडी मिळाली त्या ठिकाणी काही कोंबडीचे पीस आणि ती जी एक गोणी होती त्यावरून तिथे पीस, अनेक पीस, एक पीस नाही तर अनेक पीस असल्यामुळं आपले कल्याण तालुक्याचे PI आणि LCB टीमने असा तिथे अंदाज काढला की बाबा हे जे पीस आहेत आणि थैली बांधलेली आहे त्यावरून हा कोणतरी मटणाचा, कोंबडीचा मटण असा धंदा करणारा असावा असा संशय व्यक्त झाला आणि ते वेस्ट बंगालचे असल्यामुळं आमचं पण म्हणणं होतं की हा एकतर टिटवाळा किंवा बनेली भागात रहिवासी असावा, म्हणून त्याप्रमाणे तपासाचे चक्र बनेलीच्या बाजूने फिरले आणि माहिती घेत असताना अशी माहिती मिळाली की हा जो इसम आहे, यामधला जो आरोपी आहे तो आलम, तर आलम हा ह्याच्याबरोबर ही महिला दिसायची आणि ही मोरा नावाची जी महिला आहे तिचा मर्डर आलम यांनी खडवलीमध्ये राहत होते, खडवलीमध्ये घरामध्ये तिला गळा दाबून तिचा मफलरच्या सहाय्याने खून केला आणि मित्राच्या मदतीनं त्यानं आणून ती डेड बॉडी तिथे टाकली आणि पुरावा नष्ट करण्याकरता ती जाळण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला। किती आरोपी अटक आहे? एक आरोपी आहे ज्यामध्ये अटक कलकत्ता इथून आमचे टीम दिली होती, त्याला कलकत्ता इथून ताब्यात घेऊन काल 8 तारखेला त्याला 21:30 अटक केली आहे, आज त्याला कोर्टात हजर करू। एक आरोपी आहे तो फरार आहे, त्याला पण लवकरात लवकर अटक केली जाईल। सर मोठी कावर मोठी म्हणजे तिच्याकडे त्याचे 2.5 लाख रुपये त्यानं त्यांचे दोघांचे प्रेम संबंध आले होते, एका त्या मटणाच्या दुकानात त्याची ओळख झाली होती, तर 2.5 लाख रुपये त्यानं तिच्याकडून तिनं घेतले होते आणि पुन्हा ती पैशाची मागणी करत होती। आता ही आपल्याला पुन्हा पैसे मारून ब्लॅकमेल करण यामुळे त्यानं तिला मारून टाकलं। आरोपी सध्या बॅकग्राऊंड? आरोपी आता सध्या तरी तो एक मटण शॉप चालवायचा वगैरे, बाकी अजून इतर माहिती त्याची तपासामध्ये निष्पन्न होईल। सर हिंदी में बताइए कि ये पूरा क्या मामला था और किस तरीके से पुलिस ने इसकी जांच की? 23/6/2019 के दिन 10:30 बजने के दरमियान पुलिस स्टेशन में एक मालूमात मिली थी कि एक डेड बॉडी जो अननोन है
वो राया टू खड़ौली जाने के रस्ते के बाजू में है और उसको जलाया दिया है। इस हिसाब से पुलिस जाके वहां पर देखी तो वहां पर 25 या 30 साल की उम्र की एक महिला की डेड बॉडी थी, उसको जलाया वाला था। जब पुलिस जाके पुलिस ने उस पर FIR किया, FIR करने के बाद पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे तो वहाँ मुर्गी के पीस वहाँ पर मिले, तो ऐसा लगा पुलिस को कि यहाँ पर कोई तो भी मटन शॉप चलाने वाला है, इसमें इन्वॉल्व हो सकता है या मटन शॉप वाले से मालूमात मिलेगी। PI पांडे साहब और हमारे LCB के बड़क साहब, इन दोनों ने ज़्यादा मालूमात निकाली, तो उसमें जो कोमड़ी का मटन शॉप चलाने वाला आलम नाम का बच्चा है उसका मालूमात मिला। उसने उसकी जो फ्रेंड थी मोरा बोल के उसको अपने घर में बुला के उसको मफलर का हेल्प लेके उसको गला दबा के मार दिया और वहाँ पर डाल के उसको जला दिया। सर इसमें मुर्गी का जो पर मिले थे उसके मदद से किस तरीके से जांच की है? इसमें मुर्गी के पर मिले थे तो ज़्यादा पोर्शन थे, तो इसके लिए ऐसा लगा कि ये तो कॉमन आदमी के घर में नहीं मिल सकते, तो ये कोई तो भी मुर्गी का धंधा करने वाला या मुर्गी कटाई करने वाला ही रहेगा। इस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन का रास्ता मिला और इस हिसाब से मालूमात निकाल के इन्वेस्टिगेशन हुआ है। इसकी बैकग्राउंड क्या है सर आलम की? आलम की बैकग्राउंड उसका मुर्गी का शॉप मटन का शॉप है, अभी तक तो बाकी की मालूमात नहीं है। आरोपी आलम को कलकत्ता के आगे जाके वेस्ट बंगाल से अरेस्ट किया है। एक आरोपी इसमें फरार है, उसको भी मनोरोधीन है, उसको भी जल्दी से जल्दी अटक किया जाए। आलम ने बताया कि इसने मेरे से 2.5 लाख रुपए लिए थे और वो पैसे की मांगनी कर रही थी, उसके और आलम के अनैतिक संबंध थे, आगे जाके और पैसा मांगेगी मुझे ब्लैकमेलिंग करेंगे, इस डर के मारे उसने उसका मर्डर किया।